चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक बहुत कलरफुल सा ये मेकअप लुक कलरफुल आई लुक मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है मैंने बस इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक क्रिएट करने की कोशिश की है आप देख सकते हो कितना कलरफुल आई लुक है तो होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आए एंड अगर पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कीजिएगा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो मैं मेकअप करूँ उससे पहले मैं अपना स्किन केयर करूंगी क्योंकि स्किन केयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो टोनर के लिए मैं रोज़ वाटर ले रही हूं अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं हो तो आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर लेना क्योंकि रोज़ वाटर भी काफ़ी अच्छा होता है ये आपके पी बैलेंस को मेनटेन करके रखता है एंड उसके बाद फिर मैं अपने स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करूँगी उसके लिए मैं लैकमी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ ये भी काफ़ी अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है इससे मैं अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी इससे क्या होता है ना कि आपका फ़ेस अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाता है इसके बाद जब आप एट द एंड जब मेकअप करोगे ना तो आपका बेस एकदम फ्लॉलेस दिखेगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम जॉय का लिप बाम था ये फिर मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर उसके लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है एंड अफोर्डेबल भी है आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो इसमें कोई भी चमकी पार्टिकल्स नहीं है काफ़ी अच्छा वाला ये प्राइमर है एंड प्राइमर लगाने से क्या होता है ना कि जब फाउंडेशन लगाते हो या फिर कोई भी बीबी -बी क्रीम सीसी -सी क्रीम या फिर आप कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता वो पोर्स को लॉक नहीं करता है ठीक है तो इसीलिए आप प्राइमर ज़रूर अप्लाई किया करो मेकअप करने से पहले आप प्राइमर ज़रूर अप्लाई करो उसके बाद मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी एंड उसके बाद मैं ब्लू हेवन का कंसीलर ले रही हूँ उससे मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा क्लीन करूँगी थोड़ा सा उसको इनहेंस दिखाने का कोशिश करूँगी ताकि थोड़ा सा आईब्रो क्लीन लगे एंड जब एट द एंड हम आई मेकअप करेंगे थोड़ा फ्लॉलेस दिखे एंड अब मैं कंसीलर को ब्रश की हेल्प से उसको फैला लूँगी एंड उसको क्लीन कर लूँगी ताकि इवन सा लुक लगे इससे क्या होता ना कि आपका आईब्रो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है अब आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है एंड फिर मैं ब्यूटी ग्लेस का आई सेडो पैलेट लूँगी इसमें से रॉयल ब्लू सा ये शेड है उसको मैं जस्ट अपने आउटर वी पे मैं उसको प्लेस करूँगी एंड या मैं टेप लगाना भूल गई थी तो मैं टेप लगा लूँगी क्योंकि यू you नो know, इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है एंड जो भी आ, आई सैडो अप्लाई करूँगी ना तो फिर वो बाहर नहीं फैलेगा इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है आई लुक क्रिएट करना एंड उसके बाद मैं लूज बॉर्डर अप्लाई कर लूँगी ताकि फॉल आउट हो ना तो फिर वो पूरे फेस पे ना फैले उसके बाद मैं ग्रीन सा सेड लूँगी एंड उसको मैं अपने इनर वी पे प्लेस कर दूँगी एंड उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लेके इस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है कुछ नहीं है एकदम क्लीन ब्रश है एंड इससे मैं अपने आई को ब्लेंड करने का कोशिश करूँगी बस उसको मैं ब्लेंड करूँगी काफ़ी लाइटली मैं उसको ब्लेंड करूँगी यू नो हार्श नहीं होना है ताकि ये सारा कलर एक दूसरे के साथ मिल जाए एंड ब्लैंडबल लगे ठीक है बस मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ एंड आपको एक परफेक्ट सा कलरफुल आई लुक मिल जाएगा एंड उसके बाद फिर मैं अपने दोनों आइज पे मैं इसी तरीके से बस कलर को मैं डिपॉजिट कर दूँगी एंड उसको फिर मैं ब्लेंड करूँगी ठीक है बस ब्लेंड करने में आप टाइम देना आप आप इसको बहुत आराम से आप ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हो अगर आप विगनर्स हो तब भी आपके आपके लिए ये काफ़ी इजी आई लुक है एंड अब मैं आई अप्लाई कर लूँगी एंड का आई वैसे मैंने अप्लाई किया है ज़्यादा बोल्ड आई लाइनर मैं नहीं अप्लाई करने वाली यू you नो know, थोड़ा सा कलरफुल आई लुक क्रिएट किए हैं तो थोड़ा सा वो हाईलाइट होना चाहिए वो दिखना चाहिए तो इसके लिए मैं आ, पतला ही आई लाइनर ड्रा कर रही हूँ अगर आप विंगनर्स हो तो आप जल्दी जल्दी में आई लाइनर ड्रॉ मत करना नहीं तो आपका यू you नो know, जो भी आपने आ, आई लगाया है वो फिर ख़राब हो जाएगा एंड उसके बाद मैं टेप निकाल लूँगी अपना इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है आई लुक क्रिएट करना एंड उसके बाद जो भी मैंने बेकिंग किया था उसको मैं डस्ट ऑफ़ कर दूँगी ठीक है उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ फ़ाउंडेशन मैं स्टेक वकी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है एंड या फाउंडेशन आप जब भी अप्लाई करो तो डॉट 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 करके ही अप्लाई किया करो एक बार में ही अप्लाई मत करना नहीं तो वो ना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा एंड उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके उसका एक्सेस वाटर निकाल के फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने अंडर आइज़ को क्लीन करने के लिए यू नो जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह या फिर कुछ भी होगा तो वो उसको हाइड करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं उसको ब्रश से क्लीन कर लूँगी एंड फिर मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल मैं ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ आप चाहो तो वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड जिस पैटर्न में मैंने अपने आईलिट के ऊपर अप्लाई किया था उसी पैटर्न में मैं नीचे भी प्लेस करूँगी ब्लू कलर लिया था मैंने उसको मैं स्मच कर दूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अपने आइज के कॉर्नर पे मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी फिर मैं कॉन्टोर करने के लिए एंड वाई वे काउंट अप्लाई कर रही हूँ Uh, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉन्ट्रोल कर सकते हो बट अगर आपको नहीं लगे तो आप कोई बात नहीं आप इसको स्किप भी कर सकते हो एंड फिर मैं उसको ब्रश की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड करूँगी कॉन्ट्रोल करने से यू नो फेस को थोड़ा सा डायमेंशन मिल जाता है उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाईलाइटर मेरे पास वेट एन वर्ल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइटर है उसको मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन पे आइज के कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद एक फ्लकर की हेल्प से मैं हॉल लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक उसके लिए मैं पर्पल का वेलवेट मैट लिपस्टिक है ये वो मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा था उसके लिए मैटमी का ये न्यूड कलर उसके उसको मैं फिर अप्लाई करूँगी यू नो मुझे इतना डार्क कलर नहीं चाहिए था तो थोड़ा सा वो लाइट सेट बन जाएगा एंड उसके बाद मैं इयर पहन लूँगी ये मीसो का था सो या दिस इज माई फाइनल लुक गाइज आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कीजिएगा एंड शेयर की। कीजिएगा तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस